चुके हैं, पर एक बार फिर से इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो बेटा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज समझने के लिए बेटा देखिए, सबसे पहले बात ये कि चाहे आप प्रेशर चेंज करो चाहे आप वॉल्यूम चेंज करो, इन दोनों का फैक्टर हम एक साथ ही पढ़ सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हम तभी किसी भी सिस्टम में ऑब्जर्व करते हैं इक्विलिब्रियम में, जब उसमें गैशियस मॉलिक्यूल्स हों, है ना। तो जब भी हम प्रेशर चेंज और वॉल्यूम चेंज की बात करते हैं तो हम बहुत ऑब्वियस बात है, हम गैशियस मॉलिक्यूल्स पे ही केंद्रित हैं। कोई सॉलिड और लिक्विड हो भी तो एक्चुअली प्रेशर चेंज का उस पर बहुत खासा फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि आपको ये थर्मोडायनेमिक्स से याद होगा कि डेल्टा एच जो होता है वो बराबर होता है डेल्टा यू प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क डेल्टा पी वी। और ये जो प्रेशर वॉल्यूम वर्क करने की कैपेसिटी होती है ना, ये सॉलिड और गैस के लिए लगभग ज़ीरो होती है। मतलब प्रेशर चेंज करो या वॉल्यूम चेंज करो, सॉलिड और गैस को एज सच उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये शायद हमको पहले से पता है, इसलिए ये काम केवल गैशियस कंपोनेंट्स के लिए ही वैलिड होगा, यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम चेंज। क्यों? क्योंकि लिक्विड और सॉलिड के लिए कोई इम्पैक्ट ही नहीं करता। इसमें कोई तकलीफ बेटा बोलना पड़ेगा? नो सर। ठीक है। नो सर। तो इन दैट केस बेटा, अब हमको अगर केवल गैशियस सिस्टम की बात करनी है तो गैशियस सिस्टम में दो तीन कंडीशंस हो सकती हैं। तीन कंडीशंस क्या? एक कंडीशन ये कि जब रिएक्टेंट के गैशियस मोल्स ज़्यादा हैं और प्रोडक्ट के कम हैं, ऐसे केसेस में जो डेल्टा एन जी होगा वो पॉजिटिव, वो नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि डेल्टा एन जी होता है प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट के गैशियस मोल्स। ये बात समझ में आती है? हेलो। यस। अच्छा, तो मैं इसी केस में पहले समझा देता हूँ। अगर केस ऐसा है कि रिएक्टेंट में गैशियस मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं प्रोडक्ट में कम हैं, अगर ऐसे केस में हम क्या करते हैं, मान लो हमने प्रेशर बढ़ाया, मान लो प्रेशर बढ़ाया या वॉल्यूम घटाई, बात एक ही होगी, तो हमने एक्सटर्नली प्रेशर बढ़ा दिया। ठीक है, अब प्रेशर बढ़ाएंगे या वॉल्यूम घटाएंगे तो होगा ये कि सिस्टम का प्रेशर बढ़ेगा, और सिस्टम प्रेशर बढ़ेगा तो वो इसका अपोज करेगा। ली चैटलर प्रिंसिपल यही है। अब अपोज करने के लिए रिएक्शन क्या चाहेगा? अगर तुमने प्रेशर बढ़ाया है तो अपोज करने के लिए घटाना चाहेगा। घटाने के लिए बेटा रिएक्शन कहाँ जाएगा? घटाने का रिएक्शन के पास केवल एक ही उपचार है, वो वहाँ बढ़े जहाँ गैशियस मोल्स घट रहे हों। क्यों? क्योंकि उसको प्रेशर अपोज करने के लिए प्रेशर घटाना है, और प्रेशर तब घटेगा जब मोल्स घटें। तो ऐसा केस में रिएक्शन कहाँ जाएगा? फॉरवर्ड, क्योंकि फॉरवर्ड जाने पे चार मोल्स मिलके दो मोल्स बन रहे हैं। इसलिए ऐसे केस में जब डेल्टा एन जी नेगेटिव होगा, ऐसे केसेस में इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। कोई तकलीफ? नो सर। बस डेल्टा एन जी अगर पॉजिटिव है किसी के लिए कहानी उल्टी हो जाएगी, और डेल्टा एन जी जीरो है जिसके लिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब तकलीफ बोलो बेटा। चलो, जो इफेक्ट्स इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं या अफेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ये हम पढ़ते हैं ली चैटलियर्स प्रिंसिपल के अंतर्गत, जिसमें हमने तीन बातें पढ़ चुकी हैं, टेम्परेचर का चेंज करना, कंसेंट्रेशन का चेंज करना और प्रेशर या वॉल्यूम का चेंज करना। अगला फैक्टर आता है बच्चों, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के डालने या ना डालने से इक्विलिब्रियम को क्या फ़र्क पड़ता है, आइए ये आपको मैं समझा। अब सबसे पहले बेटा, कैटलिस्ट करता क्या है, ये इंग्लिश में मैंने लिखा हुआ है। हमने लिखा है कि कैटलिस्ट जो होता है वो इंक्रीज करता है क्या, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय मेकिंग अवेलेबल अ न्यू लो एनर्जी पाथवे फॉर द ऑक्यूरेंस, यानी नहीं, फॉर द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स। अच्छा, आगे लिखा है कैटलिस्ट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बाय एग्जैक्टली द सेम अमाउंट, फिर फुल स्टॉप है। फिर लिखा है कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम कॉम्पोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। अब मैंने इंग्लिश इसलिए पढ़ दी बेटा क्योंकि कर्सिव लिखा है इस बच्चे ने थोड़ा, तो हो सकता है हमको ये कर्सिव इंग्लिश लिखने में समझ में आए कि नहीं, इसलिए मैंने इसको रीड कर दिया। आप रिकॉर्डिंग की मदद लेंगे तो आप आराम से इन केस ना समझ में आए तो लिख पाते हैं, लेकिन सर समझ में तो कुछ नहीं आया, अभी तो सिर्फ हम इंग्लिश लिख पाएंगे। आइए इसको व्हाइट बोर्ड में मैं आपको समझा दूँ। देखो,
अब बेटा कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है ना, हमने देखा भी हुआ है, एक बार फिर बता रहा हूँ आपको, कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसका जो अगर प्रोग्रेस है ना, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने की टेंडेंसी, अगर मैं उसको एक्स एक्सिस में रखूं और वाई एक्सिस में अगर मैं एनर्जी प्लॉट करूं, ये हमारा एक चैप्टर भी है केमिकल काइनेटिक्स, हम उसमें आगे देखेंगे भी, लेकिन फिलहाल एक कॉमन सेंस आपको अभी दे सकता हूँ, ये शायद आपको मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते समय शायद दिया भी होगा, पर नहीं अगर नहीं याद है तो फिर से बोल रहा हूँ मैं। अब देखो बेटा, रिएक्टेंट कभी भी प्रोडक्ट बनता है ना बेटा, तो रिएक्टेंट तो कोई और मॉलिक्यूल था, प्रोडक्ट तो कोई और मॉलिक्यूल, ऑब्वियस सी बात है दोनों की मॉलिक्यूल्स की एनर्जी में तो फर्क होगा ही। अच्छा क्या हो सकता है, हो सकता है रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा हो और प्रोडक्ट जो बना है उसकी एनर्जी कम हो, क्योंकि जनरली प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है। स्पॉन्टेनियस में मतलब रिएक्टेंट है पर प्रोडक्ट बन रहा है तो उसको प्रोडक्ट बनने में मजा आना चाहिए, हेलो हेलो, और प्रोडक्ट बनने में मजा आना चाहिए मतलब प्रोडक्ट स्टेबल होना चाहिए, स्टेबल चीज़ की एनर्जी कम होती है। जनरली हम फोर्सफुली भी रिएक्शन कराते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन भी कराते हैं जबरदस्ती, पर इन जनरल रिएक्शन ऐसा भी हो सकता है, और अगर फोर्सफुली कराओगे तो क्या होगा बेटा, रिएक्टेंट की एनर्जी कम होगी और जो बनने वाला प्रोडक्ट है उसकी ज़्यादा होगी। यही दो केस हो सकते हैं ना बस। हाँ सर। अच्छा तो कभी भी रिएक्शन जैसा भी हो बेटा, चाहे स्पॉन्टेनियस चाहे नॉन स्पॉन्टेनियस, अगर कोई भी केमिकल चेंज हो रहा है तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनते समय बेटा हमेशा एक मैक्सिमम एनर्जी को टच करता है, ये एक फैक्चुअल बात है। मतलब हमेशा कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट प्रोडक्ट का पोजीशन को अटेन करने के पहले एक इंटरमीडिएट स्टेज में ज़रूर आता है, और उस इंटरमीडिएट स्टेज में बच्चों वो मैक्सिमम एनर्जी अटेन करता है। ये मैक्सिमम एनर्जी को मैं हरा कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और ये एनर्जी बच्चों केमिकल काइनेटिक्स या केमिस्ट्री आपको अभी फिलहाल मैं कह दूँ, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स हम ट्वेल्थ में पढ़ते हैं, ये मैक्सिमम एनर्जी जो कि रिएक्टेंट अटेन करता है प्रोडक्ट बनने के पहले, इसे कहा जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। कहा जाता है, एक सेकंड रुकिएगा बच्चों। यस सर। अच्छा अब इस केस में एक्टिवेशन एनर्जी का पहाड़ कहां तक जाएगा बच्चों, ये जाएगा। तो सर चाहे रिएक्शन जैसा हो, अब आप खुद बताओ लेफ्ट वाला रिएक्शन कैसा होगा बच्चों, सर यहां पे प्रोडक्ट की एनर्जी कम है रिएक्टेंट की ज्यादा है, तो डेल्टा एच क्या होगा ऐसे रिएक्शन, ऐसे ग्राफ के लिए डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव, सर डेल्टा एच होता है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट की कम है तो ऐसे केसेस में डेल्टा एनजी क्या होगा बच्चों, नेगेटिव, मतलब एक्सोथर्मिक का ग्राफ है, और ऐसे केसेस में प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन, मतलब रिएक्शन जैसा भी हो हमेशा रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट बनता है ना बेटा तो एक मैक्सिमम एनर्जी ग्राफ को छूता है और तभी वो प्रोडक्ट बन पाता है, और उस मैक्सिमम एनर्जी ग्राफ को छूने के दौरान इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, जैसा मैंने आपको बताया भी होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि इंटरमीडिएट भी बेटा क्योंकि बहुत शॉर्ट लिव्ड होते हैं भाई, ये इंटरमीडिएट जो बनता है जीवन भर थोड़ी बना रहता है, ये तो नैनो सेकंड्स के लिए बनता है, तो नैनो सेकंड्स के लिए भी वो इंटरमीडिएट बनता है जो ज़्यादा स्टेबल होता है। पता है ये क्यों बोला था मैंने, क्योंकि जो स्टेबल होगा उसी के पास ना औकात होगी ये मैक्सिमम एनर्जी के पहाड़ को चढ़ने की, तो प्रोडक्ट केवल वही बना पाएगा, बाकी लोग वापस नीचे ढकल जाएंगे, प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे। तो एक्टिवेशन एनर्जी के पहाड़ जो कि रिएक्टेंट को चढ़ना होता है, इसको आप ऐसे समझो कि ये वैष्णो देवी माता की चढ़ाई है, जो ये चढ़ाई चढ़ पाएगा उसी को फल मिल पाएगा मतलब, और ये आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो जैसे कभी आप कोई स्लाइड राइड में झूलने गए हो वाटर पार्क में, तो बेटा मैक्सिमम टाइम यहीं तक चढ़ने में लगता है, ये जो मजा लेने वाला जूई करके नीचे आते हो, एक्चुअली बेटा केमिकल रिएक्शन का भी टाइम देखोगे तो यही है, एक्टिवेशन एनर्जी का पहाड़ चढ़ने, मान लो कोई रिएक्शन रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा है 10 सेकंड में, बेटा हो सकता है एक्टिवेशन एनर्जी चढ़ने में उसको 9 सेकंड लग जाए। हेलो हेलो। अच्छा इतनी बात हमको समझ में आती है। अब सर ये बता क्यों रहे हो, इससे यहाँ क्या मतलब हुआ बेटा, यहाँ ये मतलब हुआ कि मान लो रिवर्सिबल रिएक्शन है तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन सकता है, तो प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट भी तो बनता है, भले बने एक्टिवेशन एनर्जी सेम चढ़नी पड़ेगी। तो सर ये क्यों बता रहे हो, ये इसलिए बता रहा हूँ कि कैटलिस्ट जो होता है ना बेटा, कैटलिस्ट पता है क्या करता है, कैटलिस्ट केवल ये सारी की सारी प्रक्रिया को एक अल्टरनेट पाथ दे देता है, मतलब कुछ ऐसा।
मतलब कुछ ऐसा, बात समझ रहे हो? तो एक्चुअली कैटलिस्ट का काम ये होता है कि वो एक्टिवेशन एनर्जी के पहाड़ को ही घटा देता है। अब तुमको मेहनत कम करनी पड़ेगी, हेलो, मेहनत कम करनी पड़ेगी तो तुम वही काम फटा और थोड़ा सा तेजी से कर लोगे। तो ऐसे ही तो कैटलिस्ट एक्चुअली करता क्या है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने का टाइम चेंज कर देता है। हेलो, सर। अच्छा तो मान लो बेटा, मान लो एक रिएक्शन जो है ए कन्वर्ट हो रहा था रिवर्सिबली बी में, हमने टाइम टी इक्वल टू जीरो में ए के 100 मोल्स लिए, बी अभी जीरो है। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, ए घटता जाएगा और बी बढ़ता जाएगा। मान लो ए घट के 100 - x पे फिक्स हो गया, इसके एक से ये एक बन रहा है तो ये एक्स टूटेगा तो ये भी एक्स बनेगा। मान लेते हैं ये एक्स पे आके फिक्स हो गया। जब दोनों का कंसंट्रेशन फिक्स कांस्टेंट हो जाएगा, ऐसे समय को कहेंगे कि क्या आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया। अब मान लो रिएक्टेंट प्रोडक्ट के साथ इक्विलिब्रियम आने में 10 सेकेंड लगा रहा था, कैटलिस्ट के साथ हो सकता है वो 8 सेकेंड में इक्विलिब्रियम में आ जाए, लेकिन इक्विलिब्रियम में आने के बाद थोड़ी कोई फर्क पड़ा तो इक्विलिब्रियम थोड़ी डिस्टर्ब हुआ। थोड़ा सा इसको और अच्छे दूसरे तरीके समझ लो। जैसे मान लो एक ही ट्रैक है, इस ट्रैक में ये बॉल है, ये बॉल को आप यहां से छोड़े तो बॉल आगे गई पीछे गई आगे गई पीछे गई आगे गई पीछे गई और यहां आके रुक गई, यहां आके थम गई। अब मान लो इसको यहां आके थमने में, मतलब लोएस्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट अटेन करने में, ये फिजिकल इक्विलिब्रियम का पॉइंट दिख रहा है हमको, ये अटेन करने में इसको मान लेते हैं 10 सेकेंड लग रहा है। हेलो, अब मान लो बेटा, मान लो यहां पे मैं वो कर दूं, क्या यहां पे मैं तेल लगा दूं, कुछ ऐसा लगा दूं कि बॉल सरसराते हुए आ जाए, तो हो सकता है अब ये बॉल स्मूथ सरफेस में 10 सेकेंड नहीं 8 सेकेंड में आके यहां थम जाए। तो कैटलिस्ट का काम केवल यही है, इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के टाइम को बढ़ा देना। इस बॉल को थोड़ी कुछ इंपैक्ट कर पाएगा यहां पे लगी हुई ग्रीस, बात समझ रहे हो, इक्विलिब्रियम को थोड़ी डिस्टर्ब कर पाएगा। तो इसीलिए बोला जाता है कैटलिस्ट जो है वो केवल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के टाइम को ऑल्टर करता है, वो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता। यहां से हमारा कैटलिस्ट की बात समाप्त होती है। ली चैटले प्रिंसिपल में आखिरी इफेक्ट आता है, इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस एडिशन। अब इनर्ट गैस एडिशन का क्या अर्थ है? इनर्ट गैस एडिशन का ये अर्थ है कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं कि मान लो जैसे बेटा एक डब्बा है, एक चेंबर है जिसमें कोई रिएक्शन हो रही है। अच्छा, रिएक्शन क्या हो रही है, मान लो रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, ठीक है। अब बेटा मान लो इस वेजल में मेरे पास एक ऐसी ओपनिंग थी जिसमें लगा ढक्कन हुआ था, लेकिन इस ढक्कन के साथ मेरे पास एक ऑप्शन ये था कि मैं यहां से इनर्ट गैस ऐड कर सकता हूं खोल के, है ना। तो मैंने इसे को खोला और मान लो मैंने इसमें हीलियम ऐड कर दी। अच्छा, अब हीलियम अंदर आ जाएगी। अब मुझे बताओ इनर्ट गैस को इनर्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि वो केमिकली रिएक्ट नहीं करती। तो मुझे ये बताओ इनर्ट गैस के ऐड होने से क्या रिएक्टेंट से कुछ रिएक्शन होगा और प्रोडक्ट से कुछ रिएक्शन होगा? नहीं सर, इनर्ट गैस तो इनर्ट है, इनर्ट गैस ना रिएक्टेंट से रिएक्ट करेगी ना प्रोडक्ट से रिएक्ट करेगी, तो वो तो सर कुछ असर कर ही नहीं रही। हेलो, हेलो, अच्छा तो सच्चाई है बेटा वो कुछ असर नहीं करेगी, पर पता है कब तक? जब तक ये वॉल्यूम फिक्स है, मतलब ये जो मैंने डब्बा बनाया ना, ये डब्बे का वॉल्यूम अगर फिक्स है, क्यों सर फिक्स नहीं होगा तो क्या हो जाएगा बताऊंगा, पर अगर वॉल्यूम फिक्स है तो आपको समझ में भी आ रहा है, अगर वॉल्यूम फिक्स है सर तो रिएक्ट तो कुछ कर नहीं रही, तो जो जो भी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का था वही रहा, जो भी कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का था वही रहा, इनका कंसंट्रेशन ही नहीं बिगड़ा तो सर इक्विलिब्रियम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनर्ट गैस ऐड होने से, सच्चाई ये नहीं पड़ेगा। लेकिन कब तक? जब तक वॉल्यूम चेंज, क्यों सर वॉल्यूम चेंज करके क्या होगा बताऊंगा, पर पहले अगर वॉल्यूम फिक्स है तो फर्क नहीं पड़ेगा, समझ में आता है? आइए इसके लिए सपोर्टिंग इंग्लिश पढ़ लें। तो वही मैंने केस वन लिया है कि एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, जब डब्बे का वॉल्यूम फिक्स है। तो इंग्लिश पढ़ देता हूं, कहता है एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, कहता है इफ द वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट, यानी कि डेल्टा वी अगर जीरो है सिस्टम का, एंड इनर्ट गैस सच एज आर्गन इज एडेड, कुछ भी आप लिख सकते हो आर्गन हीलियम कॉमा, द इक्विलिब्रियम रिमेन्स अनडिस्टर्ब। क्यों? क्योंकि कोई रिएक्शन ही नहीं हो रहा।
फुल स्टॉप, उसके बाद कह रहा है इट इज बिकॉज द एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम डज नॉट चेंज, क्या नहीं चेंज कर रहा, डज नॉट चेंज द पार्शियल प्रेशर, द पार्शियल प्रेशर और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व इन द रिएक्शन. अगर कोई भी आप इनर्ट गैस, ये देखो डब्बा भी बनाया इसने, कि मान लो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया बना रहे हैं, डब्बा फिक्स का वॉल्यूम फिक्स है, अगर तुमने इसमें हीलियम डाल भी दिया तो खुद देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, केसी. मैं कहता हूं चलो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ तो केसी क्यू बन जाएगा, लेकिन क्यू देखो क्या होगा, अमोनिया का कंसंट्रेशन जो है वही रहेगा, उसका स्क्वायर हो गया, और हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन का क्यूब हो गया और नाइट्रोजन कंसंट्रेशन की पावर वन हो गई. तो जो भी देखो लिखा भी हुआ है इसने कि जो भी क्यू आप निकालोगे वो क्यू के बराबर ना रहेगा, तो भाई ट्रैक में तो दिख जाता है लेकिन यहाँ पे क्यू से दिख जाएगा. सर अगर सबका कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर बराबर है तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा. हेलो ठीक है, तो ये बात हमको समझ में आती है कि अगर कांस्टेंट प्रेशर पे हम इनर्ट गैस डाल रहे हैं तो इक्विलिब्रियम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आगे बढ़ते हैं केस टू. अब अगर बेटा वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है तो क्या होगा, आइए उसको पहले मैं आपको समझा दूं कि वॉल्यूम कांस्टेंट कैसे नहीं रह सकती है. देखो मान लो बेटा अब ये मेरा एक चैम्बर है, मैंने जान के इसको गोल बनाया बेटा, क्योंकि मान लो अंदर कोई रिएक्शन हो रहा है, रिएक्टेंट इज इन इक्विलिब्रियम विद प्रोडक्ट, ठीक है. अब मान लो मैंने इसमें इनर्ट गैस फिर से डाली हीलियम. अब ये इनर्ट गैस डालने से होगा क्या, मान लो बेटा, माना ये हीलियम इस रिएक्टेंट से रिएक्ट नहीं करेगी, इस प्रोडक्ट से रिएक्ट नहीं करेगी. मान लेते हैं इक्विलिब्रियम था और रिएक्टेंट के जो मोल्स थे वो थे 20 और प्रोडक्ट के जो मोल्स थे वो थे 60. एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ, है ना, किसी इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट 20 था, प्रोडक्ट 60 था, मोल्स, है ना, मोल्स. अच्छा अब मान लो मैंने इनर्ट गैस डाल दी, अच्छा लेकिन अब इनर्ट गैस डाली, माना सर रिएक्टेंट से भी रिएक्ट नहीं करेगी, प्रोडक्ट से भी, अभी भी 20 रहेंगे, अभी भी मोल्स इनके 60 रहेंगे, रिएक्ट नहीं कर रही. लेकिन बेटा अगर इनर्ट गैस डालोगे और ये एक फुग्गा टाइप का अगर वेजल है तो आपको नहीं लगता गैस डालने से फुग्गा तो फूलेगा ना, ये हीलियम जगह तो अक्वायर करेगी ना, वॉल्यूम तो बढ़ाएगी ना. हेलो और अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है बच्चों, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो खुद सोचो, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा. हेलो भाई जो बाहर का प्रेशर है ये अगर फूल गया तो बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर बराबर हो गया ना. हेलो अच्छा तो इसीलिए ऐसे केस को ये कहता है कौन, एनसीईआरटी कहती है कि केस टू है इनर्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर. तो सर प्रेशर कांस्टेंट कैसे रह सकता है, अरे यार प्रेशर कांस्टेंट तब रह सकता है जब फुग्गा फूल जाए, तो अंदर का प्रेशर बाहर का प्रेशर फिर बराबर हो जाएगा, फुग्गा फूल गया है. अच्छा फुग्गा फूल गया है तो क्या फर्क पड़ गया सर, मोल्स तो अभी भी इसके 20 और 60 ही हैं. मैं कहता हूं पहले फुग्गा था 1 लीटर का, एक इसका वॉल्यूम 1 था, अब इसका वॉल्यूम बढ़ के हो गया 2, फुग्गा का वॉल्यूम बढ़ गया, तो सर वॉल्यूम बढ़ के क्या हो गया. अब बेटा तुम एक काम करो, ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन के लिए ना कंसंट्रेशन बताओ मुझे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन होता है मोलारिटी, मोलारिटी होता है मोल्स, मोल्स तो भले 60 है लेकिन बेटा जो पहले वॉल्यूम 1 था वो वॉल्यूम 2 हो गया, तो कंसंट्रेशन तो चेंज हो गया ना. हेलो वैसे ही अगर आप रिएक्टेंट का भी देखोगे, रिएक्टेंट का भले नंबर ऑफ मोल्स 20 हैं, पहले वॉल्यूम 1 था, अब वॉल्यूम 2 हो गया, तो कायदे से सर वॉल्यूम तो बढ़ गया, तो वॉल्यूम बढ़ने से कंसंट्रेशन तो घट गया ना. हेलो हेलो यस सर. तो बेटा ये तो कंसंट्रेशन घटने वाला केस हो गया, इसीलिए अगर आप भले इनर्ट गैस है, भले रिएक्ट नहीं कर रही लेकिन वॉल्यूम तो बढ़ाएगी अगर कांस्टेंट प्रेशर रखना है तो, और वॉल्यूम बढ़ना मतलब कंसंट्रेशन घटेगा. अच्छा कंसंट्रेशन किसका घटा, गैस का, चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे वो प्रोडक्ट हो, अल्टीमेटली ओवरऑल कंसंट्रेशन घट गया गैस का. हेलो हेलो
अच्छा, अगर ओवरऑल कंसेंट्रेशन घट जाएगा तो बेटा इक्विलिब्रियम फिर से इसका अपोज करेगा इनर्शिया के हिसाब से, ली चैटले प्रिंसिपल यही तो है। अच्छा, अगर ओवरऑल गैस का कंसेंट्रेशन घटा है तो गैस क्या कहेगी, अरे अरे बोल के क्या कहेगी कंसेंट्रेशन को, बढ़ाओ। तो अपोज करने के लिए हमेशा चाहे कैसा भी रिएक्शन हो, अगर आप इनर्ट गैस ऐड कर रहे हो कांस्टेंट प्रेशर में तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंसेंट्रेशन घटेगा, कंसेंट्रेशन घटेगा तो रिएक्शन कहेगा अरे कंसेंट्रेशन बढ़ाओ। अब तुम बताओ एक गैशियस रिएक्शन के पास कंसेंट्रेशन बढ़ाने का क्या ऑप्शन है, ये सब इंग्लिश वही लिखी हुई है मैंने, इंग्लिश फालतू है, आपको केवल कॉमन सेंस होना चाहिए। तो देखो रिएक्शन क्या गया का कंसेंट्रेशन बढ़ाओ। अब देखो ऐसे केस में भी टाइप आ जाएगा, तो वही कह रहा है, देखो इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर टाइप ऑफ रिएक्शन, अगर डेल्टा एन जी जीरो है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि कंसेंट्रेशन को बढ़ाने घटाने का बढ़ाने का ऑप्शन ही नहीं है, जितने रिएक्टेंट में उतने प्रोडक्ट में, तो कोई इफेक्ट नहीं। लेकिन अगर डेल्टा एन जी पॉजिटिव है, डेल्टा एन जी पॉजिटिव कब होता है बच्चों, जब रिएक्टेंट में कम मोल्स हों और प्रोडक्ट में ज्यादा मोल्स हों। हेलो, तो खुद बताओ अगर रिएक्शन ने कंसेंट्रेशन घटा है अरे बोला, तो रिएक्शन वहां जाएगी जहां कंसेंट्रेशन बढ़ रहा हो गैस का, कंसेंट्रेशन मोल्स का गैस का कहां बढ़ रहा है ऐसे केस में, जब डेल्टा एनजी पॉजिटिव है कहां बढ़ रहा है, फॉरवर्ड जाने पे। तो देखो इक्विलिब्रियम में क्या फर्क पड़ेगा, कह रहा है एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम होता इक्विलिब्रियम नॉट डिस्टर्ब अगर डेल्टा एनजी पॉजिटिव है, लेकिन अगर डेल्टा एनजी पॉजिटिव है तो एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू राइट। मेरी बात समझे, फिर से इस बात को फिर से। अब मान लो अभी भी बात वही है, डेल्टा एनजी नेगेटिव मतलब रिएक्टेंट में ज्यादा मोल्स हैं प्रोडक्ट में कम मोल्स हैं, अगर तुमने इनर्ट गैस ऐड की कांस्टेंट वॉल्यूम में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, कांस्टेंट प्रेशर में ऐड की तो प्रेशर कांस्टेंट मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा होगा, वॉल्यूम बढ़ रहा होगा मतलब कंसेंट्रेशन घटा, कंसेंट्रेशन घटा इक्विलिब्रियम कहेगा अरे कंसेंट्रेशन बढ़ाओ। बढ़ाने के लिए ऐसे डेल्टा एनजी जब नेगेटिव होगा इस केसेस में रिएक्शन कहाँ जाएगा, कंसेंट्रेशन कहाँ बढ़ रहा है जहाँ नंबर ऑफ मोल्स बढ़े, किधर बढ़ रहे हैं बैकवर्ड, तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू लेफ्ट बैकवर्ड, कोई तकलीफ सर? जी सर। सर जो फिक्स्ड वॉल्यूम वाला है, हाँ, उसमें जब गैस ऐड करेंगे तब तो प्रेशर बढ़ेगा ना उसमें अंदर, किसका प्रेशर, टोटल प्रेशर? यस सर। लेकिन इक्विलिब्रियम का जो रिएक्शन होगा रिएक्टेंट इन इक्विलिब्रियम विद प्रोडक्ट, इसके लिए जो मान लेता हूं आपको लग रहा है रिएक्शन इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा है, तो मैं के नहीं लिखता क्यू लिखता हूं, क्यू क्या होगा, प्रोडक्ट जितना था मान लो ये मैंने बोला ना एग्जांपल के लिए इसको 20 और इसका 60 रखा है, मैं कहता हूं चलो वॉल्यूम कांस्टेंट है प्रेशर बढ़ गया, किसका टोटल प्रेशर बढ़ा, मान लो इसका प्रेशर था 20 रुपए इसका प्रेशर था 60 रुपए, अभी इसको प्रेशर मान लेते हैं, चलो इसका प्रेशर था 20 रुपए इसका प्रेशर था 60 रुपए, हीलियम का प्रेशर अगर हीलियम ऐड हुई है तो हीलियम का प्रेशर हो जाएगा 40 रुपए, ऐसी तेजी कराए, इस रिएक्शन के लिए जब क्यू लिखा जाएगा तो हीलियम के प्रेशर से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इस रिएक्शन के क्यू में क्या पुट किया जाएगा, इसका प्रेशर अपॉन इसका प्रेशर तो अभी भी 60 है इसका प्रेशर तो अभी 20 है, हेलो टोटल प्रेशर बढ़ रहा है तो उससे फर्क क्या पड़ रहा है, हमको क्यू में हम के जब लिखते हैं तो हमको इसका कंसंट्रेशन है प्रेशर से मतलब है ना, टोटल प्रेशर से मतलब थोड़ी, हेलो फॉर्मूला क्या कहता है, कंसेंट्रेशन और प्रेशर रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट का पुट किया जाता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट रेज्ड टू द पावर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, हेलो नहीं समझ में आई बात, टोटल प्रेशर बढ़ जाएगा मान रहा हूं अगर वॉल्यूम फिक्स है टोटल, लेकिन टोटल प्रेशर हीलियम 40 आ जाए 50 आ जाए 60 आ जाए इस क्यू में थोड़ी कोई फर्क पड़ रहा है, तो के बराबर ही रहेगा क्योंकि इसको केवल फर्क है प्रेशर ऑफ पीक अपॉन प्रेशर ऑफ आर के, वो तो सेम है। Yes. बाकी लोगों दिक्कत, चलो अब मुझे ये बताओ बच्चों अभी तक हमने जो कहानी पढ़ी है उसमें आपने केसी तो देखा हुआ है, केसी और केपी का रिलेशनशिप मेरे हिसाब से लास्ट क्लास में पढ़ा है हमने, ये बेटा मत करना, इसने अब बच्ची ने अपने कंक्लूजन लिखे हैं,
साइमल्टेनियस भी एडवांस की चीज़ है। केसी के पी में रिलेशनशिप पढ़ा है बेटा अपन ने कि इस बच्चे ने, मेरे को नहीं लगता इसमें था। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर केपी, ये नाम की चीज पढ़ी है अपन ने? बोलो ना मेरे भाई, केपी सुना है आपने? नहीं सुना है, तो ये थोड़ा सा बेटा अपना छूट गया है। एक्चुअली इस बच्चे ने लगता है जहाँ वाइट पेज लगा होगा वहाँ पे होगा। चलो बच्चों, तो एक कंसेप्ट मैं आपको अलग, ये हो, आपको पूरे नोट्स लिखने हैं जितना मैंने पढ़ाया है, और एक कंसेप्ट आपको लास्ट में और जोड़ना है ना, वो मैं लिख दे रहा हूँ। वो टॉपिक है बेटा हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ, बोलो, पार्शियल प्रेशर या प्रेशर, है ना? आइए देखें कैसे। अब देखो बच्चों, ऑब्वियस सी बात है, जब हम प्रेशर की बात करेंगे तो हम कैसे सिस्टम की बात करेंगे, गैसियस सिस्टम की बात करेंगे। हेलो, एक सेकंड रुकिएगा बच्चों, हमने हेडिंग क्या डाली बेटा, हेडिंग क्या बोली मैंने आपको? अरे मेरे भैया, हेडिंग क्या बोली मैंने आपको? अच्छा, कुछ करा रहे थे। चलो, हेडिंग है बच्चों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हम डिफाइन करते हैं। अब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन कर रहे हैं जब आपके पास कैसे रिएक्शन हो, फॉर गैसियस रिएक्शन, है ना? हाँ, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये टॉपिक, ये छूटा हुआ था बेटा, है ना? चलिए, तो हमारा अगला स्टामक होगा, अब आपके पास रिकॉर्डिंग है और आप पास एनसीईआरटी भी, आपको पता होगा अगला स्टामक है हमारा ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन गैसियस सिस्टम। अब सर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गैसियस सिस्टम में क्यों अलग पढ़ा रहे हो? बेटा देखो, एक्चुअली क्या है, जब भी हम कोई सोल्यूशन ऐड करते हैं ना, तो उसकी मोलारिटी निकालना बड़ा आसान होता है प्रैक्टिकली, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स पता होता है कितने डाले या नहीं भी डाले, तो वजन पता होता है, तो वेट अपॉन मोलर मास से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, कितना वॉल्यूम डाला, ये सब बहुत प्रैक्टिकली आसानी से निकाला जा सकता है। लेकिन गैस के लिए ना मोल्स कैलकुलेट करना बड़ा कठिन है। गैस के लिए क्या आसान है, क्या हमारे पास प्रैक्टिकली पैरामीटर्स है? बेटा प्रेशर निकालना, बैरोमीटर, आजकल डिजिटल बैरोमीटर भी आते हैं, तो प्रेशर और प्रेशर गेज भी होते हैं सस्ते से, तो उससे आप प्रेशर ज़रूर आसानी से नाप सकते हैं। तो गैसेस के केस में ना प्रेशर नापना प्रैक्टिकली बड़ा ईजी है। तो हम इक्विलिब्रियम वालों से बोला गया, यार देखो यार, कंसंट्रेशन की जगह गैस के केस में प्रेशर का कुछ सिस्टम बनाओ। तो इक्विलिब्रियम वालों ने कहा, सबसे पहले जो आपको लिखना भी है पर आप फिलहाल सिर्फ समझेंगे कि क्या होती है बच्चों, द आइडियल गैस इक्वेशन इज रिटन एज पी वी इक्वल टू एन आर टी, सबको पता है। अब प्रेशर बराबर किसके हो जाएगा, एन आर टी अपॉन वी, और शायद आप सब जानते हो एन अपॉन वी किसके बराबर होता है बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन के। ये आपको पूरा नहीं लिखना, सिर्फ इतनी बात लिखनी है, एन अपॉन वी किसके बराबर होता है बच्चों, बोलो? एन अपॉन वी इज कंसेंट्रेशन एक्सप्रेस्ड इन मोल पर मीटर क्यूब या मोल पर लीटर। हेलो, ये आप मीटर क्यूब मत लिखना, आप यही लिखना कि एन अपॉन वी कंसेंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड इन मोल पर लीटर। हेलो, अच्छा, तो सर ये देखो, और पीक बराबर हो गया सीआरटी के। अच्छा, कभी भी कोई इक्विलिब्रियम का कंसंट्रेशन बेटा, कभी कोई इक्विलिब्रियम रिएक्शन बच्चों, हम हमेशा कैसे कराते हैं, बंद डब्बे में और टेम्परेचर फिक्स रखते हैं, वरना टेम्परेचर बदलोगे तो सब चेंज हो जाता है, याद है? तो हमको पता है सर, टेम्परेचर तो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो वही नेक्स्ट लाइन से लिख रहे हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, आर तो हमेशा ही कांस्टेंट है, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू इट्स कंसंट्रेशन। मतलब जो आप कंसंट्रेशन लिखते गैस का, उसकी जगह आप उसका प्रेशर भी लिख सकते हो। इससे समझ में आ गया? अच्छा, तो सर अगर लिख सकते हैं तो क्या करें, आओ लिख दें। कैसे लिखें सर, देखो, बल्कि आप उसके बाद सीधा जनरल रिएक्शन में आना। जनरल रिएक्शन कहाँ है, मैं आपको उसके बाद, आप कॉपी में वही लिखेंगे जो मैं बता रहा हूँ, ये देखो। तो लिखेंगे, फॉर अ जनरल रिएक्शन ए मोल्स ऑफ ए प्लस बी मोल ऑफ ई इन इक्विलिब्रियम विद सी मोल्स ऑफ सी और डी मोल्स ऑफ डी। अगर बच्चों आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर लिखना है ना, तो इसके लिए मैं आपको इंग्लिश लिख देता हूँ, वो रिप्रेजेंट किया जाता है केपी से। व्हाट इज केपी बच्चों, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट
इन टर्म्स ऑफ प्रेशर. अगर इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन था तो के सी लिखते थे, याद है ना, तो प्रेशर के टर्म्स में के पी लिखेंगे. अच्छा, ट्रेंड वही रहेगा. कंसंट्रेशन के टर्म्स में होता था कंसंट्रेशन की पावर स्टोइकोमेट्रिक, यहां पे प्रेशर की पावर. तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, सब प्रेशर ऑफ सी रेज टू द पावर सी पार्शियल प्रेशर ऑफ डी रेज टू पावर डी अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए रेज टू द पावर ए पार्शियल प्रेशर ऑफ बी रेज टू द पावर बी. ये स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल डी क्या स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट. हेलो, अच्छा तो ये हो गया बच्चों केपी की डेफिनेशन. अब यहां पे मैं खत्म नहीं कर रहा हूं, मैं केपी और केसी को रिलेट भी यहीं पे लगातार लगे हाथ कर दे रहा हूं. अच्छा कैसे करेंगे सर. बेटा अभी आपने निकाला किसी भी गैस का प्रेशर किसके बराबर है, सीआरटी के, यानी कि उसका कंसंट्रेशन इनटू आरटी. हेलो, हेलो, तो इस पार्शियल प्रेशर ऑफ सी की जगह लिख देंगे कंसंट्रेशन ऑफ सी रेस्ट ऑफ द पावर सी, डी की जगह डी रेस्ट पावर डी, ए की ए रेस्ट ऑफ पावर ए कंसंट्रेशन ऑफ बी रेस्ट पावर बी, ये वाला फैक्टर आ गया. और हर बार हर में आरटी आरटी लगता जाएगा, तो यहाँ जाएगा आरटी पावर सी, यहाँ जाएगा आरटी पावर डी. कॉमन निकाल लिया आरटी, पावर ऐड होगी सी प्लस डी, वैसे कॉमन निकाल लिया नीचे भी आरटी, पावर हो गई ए प्लस बी. तो देखो केपी बराबर हो गया इसके इंटू आर टी की पावर, ऊपर है सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी. अरे सर ये सी प्लस डी ए प्लस डी तो एक्चुअली ये केवल गैस के लिए लिखा जाएगा, तो एक्चुअली बेटा ये डेल्टा एन जी ना हो गया. yes, और ये सी की पावर सी डी की पावर डी, ये हो गया के सी. हेलो, तो बेटा केपी और केसी में रिलेशनशिप आना गया कहाँ आया सर, दिखा तो दिया मैंने. देखो एनसीईआरटी ने भी लिखा होगा, ये देखो यहाँ पे पहले उसने इसको डेल्टा एन लिख दिया, और ये मान लो केपी है ही ऊपर लिखा हुआ है, तो केपी किसके बराबर हो गया, केसी इंटू आरटी की पावर डेल्टा एन जी. भले नहीं लिखा है, आप लिखिएगा, देखो नीचे डिफाइन कर रहा है जी को डेल्टा एन को, लेकिन कह रहा है डेल्टा एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस रिएक्टेंट. किस में, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में. तो ये बच्चों हमारा स्टामक हो गया, जिसमें हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को प्रेशर के टर्म्स में डिफाइन भी कर दिया कि कैसे लिखा जाएगा, और उस केपी का केसी से रिलेशनशिप भी आपको बता दिया. कोई तकलीफ, चलो. अब बच्चों सच्चाई ये है कि आपका स्कूल का काम इतने केमिकल इक्विलिब्रियम में, स्कूल का काम तो खैर इससे बहुत पहले ही खत्म हो जाता, आपका जेई का भी काम खत्म हो जाएगा, नीट का तो खत्म ही हो जाएगा. मेंस में कुछ बातें और आती हैं, वो मैं कुछ बातें सर आपने कहा थोड़ा बहुत करा रहा हूँ बेटा, क्योंकि वो जरूरी है थोड़ा सा, है ना, क्योंकि बहुत आती हैं इसलिए, है ना. तो ये हमारा एक स्टामक हो गया, जो कॉपी में नहीं था मैंने आपको बता दिया. एक बच्चों स्टामक और लिखेंगे हम, ये अगला स्टामक होगा बच्चों हमारा, ये क्या, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम. अब हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में समझाना मैं आपको क्या चाहता हूं बेटा, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में मैं आपको केवल एक जानकारी देना चाहता हूं, और वो जानकारी केवल ये है कि कभी भी कोई भी प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड आपके कोई भी रिएक्शन में होता है ना इक्विलिब्रियम के, वो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने की औकात नहीं रखता. मतलब कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड और कंसंट्रेशन ऑफ प्योर लिक्विड, प्रेशर की तो उसकी बात ही नहीं करनी, क्योंकि सर सॉलिड लिक्विड का प्रेशर थोड़ी होता है कुछ. हाँ, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड और कंसंट्रेशन ऑफ प्योर लिक्विड इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करते. हेलो, 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 तो कभी भी आपको कोई भी हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम मिलता है, मतलब जिसमें एक से ज्यादा स्टेट है फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स में, तो आपको हर वो स्टेट की टेंशन लेनी नहीं है जो सॉलिड और लिक्विड स्टेट में हो. आपको केवल किसकी टेंशन लेनी है, जो गैशियस स्टेट में हो या जो एक्वस कंडीशन में हो. सर एक्वस अलग है, हाँ बेटा मैं कह रहा हूं प्योर लिक्विड, मतलब जैसे H2O लिक्विड. मैं ये नहीं कह रहा कि आपके आपके पानी में अगर Na प्लस एक्वस है और Cl माइनस एक्वस है, ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ये करेंगे.
क्यों? क्योंकि सर एन ए प्लस ज्यादा डाला कम डाला, यहाँ पे कंसेंट्रेशन का फैक्टर आ जाएगा। तो ये प्योर लिक्विड नहीं हुआ ना, प्योर मतलब क्या होता है, और कुछ ना हो। अरे यहाँ तो पानी भी और तू भी है ना। हेलो हेलो। हालांकि आयन्स के इक्विलिब्रियम को एनसीईआरटी आगे डिस्कस करती है, आयनिक इक्विलिब्रियम कहा जाता है उस टॉप कंटेंट को। तो फिलहाल हम आयन्स की बात नहीं कर रहे, पर मैं फिर भी आपको ये बता दे रहा हूँ कि प्योर लिक्विड की बात कर रहे हैं हम। कभी कोई आयन पानी में है तो प्योर नहीं है। प्योर लिक्विड का क्या अर्थ हुआ सर? जैसे बेटा ये H2O लिक्विड, ये प्योर लिक्विड है। हेलो। अब मान लो एक इक्विलिब्रियम H2O लिक्विड गिव्स H2O गैस। अब खुद बताओ, मैंने आपको क्या सिखाया कि प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड इक्विलिब्रियम को इंपैक्ट नहीं करते। तो बच्चों अगर इस इक्विलिब्रियम के लिए आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K लिखोगे तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ H2O गैस की पावर 1 अपॉन, नीचे आप लिखना चाहिए आपको कंसंट्रेशन ऑफ H2O लिक्विड, लेकिन क्योंकि ये फर्क नहीं करता इसलिए इसके कंसंट्रेशन को हम क्या मान लेते हैं, यूनिटी 1। हेलो। बोलना पड़ेगा। यस सर। हेलो। यस सर। ठीक है, एक और एग्जांपल दिखा देता हूं आपको। जैसे मान लो ये एक रिएक्शन है, इस रिएक्शन ये भी इसमें सॉलिड है और ये एक्वस है। तो इस रिएक्शन के लिए आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कैसे लिखोगे? लिखोगे कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम प्लस 2, क्योंकि वो एक्वस है, प्योर लिक्विड नहीं है, पावर 1, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस की पावर 2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड। लिखूंगा ही नहीं, क्यों? वो प्योर सॉलिड है, प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड कंसंट्रेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसके लिए लिख देंगे अपन 1। हेलो। बोलना पड़ेगा बेटा, ये जरूरी चीज है, क्योंकि यस सर। ठीक है, तो ये तो हो गई बेटा जानकारी। आप ये जब स्टामार्क डालोगे तो ये दो एग्जांपल लिख लेना। सर इंग्लिश बता दो, क्योंकि लिखी तो है नहीं, तो इंग्लिश में आपके लिए लिख देता हूँ। इंग्लिश है बच्चों इसकी, मैं लिख देता हूँ, आप इसको रिकॉर्डिंग को देखोगे तो आपको मदद हो जाएगी। मैं इंग्लिश लिख रहा हूँ बेटा। क्या मैंने आपको बताया बच्चों, क्या मैंने इंग्लिश बोली आपको कि प्योर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, प्योर है ना, डू नॉट इंपैक्ट या अफेक्ट किसको, द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इसलिए क्या करना है, हेंस देयर कंसंट्रेशन इज असाइंड टू बी वन यूनिटी। तो कभी भी जब प्योर सॉलिड, आपको लिखना सेम पैटर्न में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के है, लेकिन इनके कंसंट्रेशन को 1 मान लेना है। हेलो। यस सर। कोई तकलीफ? नो सर। तो मैंने आपके लिए, आप स्टामा के डालेंगे और सबसे पहले इंग्लिश लिखेंगे, और आपके लिए दो एग्जांपल्स मैंने बता ही दिए हैं, वो आपको आपकी कॉपी में लिख लेना है, है ना। ये आपको जानकारी, हालांकि इसमें अब आपको होमवर्क पता है बच्चों आज का क्या है, कि केमिकल इक्विलिब्रियम के जितने सॉल्ट एग्जांपल्स हैं वो आपको करके लाने अपनी कॉपी में। हेलो। सॉल्ट एग्जांपल्स। हेलो हेलो। चलो, अब ये सॉल्ट एग्जांपल्स आपको कहां तक करने हैं, मैं आपको ये बता दूं। अच्छा, ली चार्टर्स प्रिंसिपल में आपको पहले बता दिया, यहाँ से बेटा आयनिक इक्विलिब्रियम चालू हो गया है ना। लेकिन एक एक इक्विलिब्रियम का और टॉपिक बचा हुआ है, फैक्टर्स सॉरी एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये बचा है 7.8, है ना। तो आप इस एग्जांपल तक करके आओगे बच्चों। कहाँ तक? इस एग्जांपल तक। एग्जांपल क्रमांक क्या है मैं बता देता हूँ, 6। मतलब आपके पास कितना होमवर्क है, 6 सॉल्ट एग्जांपल्स। हेलो, कितना होमवर्क है? 6 एग्जांपल्स। ठीक है ना, और 6 एग्जांपल्स के अलावा नहीं बच्चों,
छह सॉल्ट एग्जांपल्स के अलावा आप केवल सातवां एग्जांपल छोड़ देना. कौन सा कौन सा? नहीं यार पूरा ही छोड़ देना, बस छह सॉल्ट एग्जांपल्स तक करके लाना है. फिर उसके बाद ये जो एप्लीकेशन वाला है इसके हालांकि न्यूमेरिकल्स बड़े अच्छे हैं, पर पहले आप इतना कर लो. फिर ये एक और छोटा सा स्टामक बचा है, बस ये ख़त्म करूँगा और आपका इक्विलिब्रियम चैप्टर समाप्त हो जाएगा. अच्छा मुझे एक बात ये बता दीजिए, ये कल करेंगे हम लोग, है ना, एप्लीकेशन वाला.